अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफियाज कुक हाउस में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही आसान है। और इसके लिए हमें चाहिए, ये हमने 800 ग्राम मटन लिया है। मटन हड्डी के साथ होना चाहिए और थोड़ा सा चिकना गोश्त होना चाहिए। पुलाव के लिए हमेशा सीने का गोश्त ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसके लिए जो मेन मसाला है ये मेरे पास है। ये फर्स्ट स्टेप इसका हम दिखा रहे हैं आपको, सेकेंड स्टेप राइस के साथ दिखाएंगे। तो मेन मसाला ये तीन है मेरे पास, जो कि ये सौंफ है एक चाय का चम्मच, दो चाय का चम्मच शाही ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा के नाम से भी जाना जाता है, और दो टेबल स्पून जो है ये धनिया, साबुत धनिया। और ये मेरे पास छोटे साइज़ की साबुत लाल मिर्च थी, तो हमने थोड़ी सी ज़्यादा 7 से 8 रखी है। अगर बड़े साइज़ की है तो सिर्फ 6 आप लें। और ये दो मीडियम साइज़ की प्याज, इसको रफली हम लोग काटेंगे। और ये एक चाय का चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। और ये बादियान का फूल, जो कि सौंफ का ही एक पार्ट होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करते। और ये जावित्री है मेरे पास 4 से 5 फूल, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होंगी। और 3 बड़ी इलायची है, 3 से 4 भी आप ले सकते हैं, 8 छोटी इलायची हरी इलायची, 5 लौंग। और ये हमने लहसुन जो है इसको हमने छीला नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे, इसको बॉयल करना है हम लोगों को। तो ये हमने मेरे पास एक पूरा इसकी लहसुन की आंडी थी, उसको हमने इस तरीके से खोल लिया है, छिलका इसके साथ ही है अभी, और छिलके के साथ ही डाल देंगे इसको हम। और ये 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी रफली हम लोग काटेंगे, 2 तेज़ पत्ते। और नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच। सबसे पहले हम ये प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम मटन को डाल देंगे। बस इसको रफली काट लेना है इसमें। ये 3 मेन मसाला है, इसको कभी नहीं मिस करिएगा आप लोग, इसी से फ्लेवर आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी नमक के साथ। ये मेरे पास तकरीबन 4 कप पानी है, पानी हम उस वक्त भी एडजस्ट करेंगे जब चावल बनाएंगे। ये दालचीनी का टुकड़ा जो ये रह गया था, मसाले में नहीं दिखाया था आपको, ये भी इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसको पहले हम बॉयल करते हैं और फिर दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए इसका। अब इसको हम लोग इतना गोश्त गलाएंगे कि 95% तक गल जाना चाहिए गोश्त। गोश्त ऐसा गला होना चाहिए कि चावल में भी डाल करके 5 मिनट तक आपको फ्राई करना है चावल के लिए, तो उसमें टूटना नहीं चाहिए गोश्त, इतना आपको इसको पकाना है। तकरीबन 95% तक बिल्कुल गोश्त गला होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग एक सीटी के फौरन बाद 2-3 मिनट के बाद बंद कर देंगे, इसलिए कि बहुत जल्दी ये गोश्त गल जाता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसका कलर ऐसा है और फिर सारा फ्लेवर इसमें आ गया है और गोश्त भी आराम से ये टूट जा रहा है। तो अब इसका सेकेंड स्टेप ये है कि इसको हम लोग ड्रेन करेंगे। तो चलें ड्रेन करते हुए भी दिखाते हैं आपको कैसे करना है। ये बहुत ही मेन स्टेप है, अगर ये ज़रा सा भी इसमें कुछ हुआ तो अपना अपने पुलाव जो है सही नहीं उतरेगा। अब इसकी जो बोटियां हैं इसको हम अलग से सिर्फ ऐसे करके निकालेंगे, इसमें हल्का हल्का सा मसाला लगा रहने देंगे। और अब ये जो मसाला खड़ा मसाला है इसको बहुत ही इसका सारा अरक अच्छे से निकाल लेंगे इसमें से। अब ये एक बार पानी में और मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसको हाथ की मदद से भी खूब अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब ये अपनी परफेक्ट तैयार है, इसको हम चावल में ऐड करेंगे।
अब सेकंड स्टेप इसका यह है कि हमने चावल 1 kg लिया है इसमें और ये इसको धुल लिया है, आधे घंटे तक भिगा दिया था, बिल्कुल वाइट हो गया है। बासमती राइस है ये, और ये 4 tablespoon दही, थिक दही चाहिए, 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, इसलिए कि इसमें लहसुन अदरक अंदर भी आखनी में भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंग, 3 इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और 2 तेज़पत्ते, और ये मेरे पास तली हुई प्याज है। इसकी जगह पे आप लोग डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं, हम टाइम सेव करने के लिए, मेरे पास तली हुई प्याज है तो हम इसको यूज़ करेंगे। और हम ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1/2 cup, और तकरीबन 1 tablespoon हम इसमें घी ऐड करेंगे। चलें शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए खुला हुआ बर्तन होना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले खड़े, तली हुई प्याज, फौरन ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसलिए कि ये प्याज पूरी तली हुई है और मीडियम फ्लेम पे इस वक्त हम इसको कर रहे हैं। ऐड कर देंगे इसमें दही, 1 मिनट चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये गोश्त। आपका गोश्त इतना गला होना चाहिए कि ये इस वक्त ये जो हम फ्राई कर रहे हैं टूटना नहीं चाहिए, और इसी वक्त ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और ये जो हमने 1 tablespoon घी था ये इसको ऐड करेंगे इसमें। गोश्त अच्छे से तल गया है और इसको ज़्यादा देर नहीं तलना है, बस 2 से 3 मिनट ही तलना है। अब ये जो अखनी है इसको हम फिर से छानेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें इस टाइम पे इस अखनी को हम छोड़ सकते हैं, और चावल उस वक्त डालें जब आपको थोड़ी देर पहले अगर गरम गरम पकाना है तो उस टाइम आप आधे घंटे 1 घंटे पहले चावल डाल दें इसमें। तो इसको हमने तेज़ फ्लेम पे चढ़ा दिया है और ये पानी बॉयल होने के बाद ही इसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे। अब जो चावल हम डालेंगे इसमें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए कि ये अखनी में ही पकना है। तो ये आप चेक कर लें कि जो चावल आप डालने जा रहे हैं उसमें पहले से पानी तो नहीं है। देखिए ये पानी, इसी पानी में ये चावल पूरा पक जाएगा। अब इसको तेज़ फ्लेम पे हम पकाएंगे इस टाइम, थोड़ा सा कवर कर देंगे इसको। इसको बीच में एक बार चलाएंगे और अब इसकी आंच मीडियम कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के बाद फिर खोल के चेक करेंगे। इसमें खासी स्टीम है, इसी वक्त हम इसमें ये कलर डालेंगे। पहले इसको फाइनली दिखाते हैं खोल करके। अपनी पुलाव बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका। अब इसकी स्टीम को फौरन बंद कर देंगे ताकि स्टीम इसी में रहे, और थोड़ी देर के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अपनी पुलाव बन करके तैयार हो गया है, इसको हमने डिश आउट भी कर दिया है। अब इस पर हम थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे और इसकी गार्निशिंग तली हुई प्याज से करेंगे, और इसको आप खाएं कौरमे के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, या रायते के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव होता है ये। आप लोग ये रेसिपी एक बार मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगली फरमाइश अपने मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सूफियाज़ कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।